स्प्लीन को देख रहे हैं, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में आप ऐसे सपोज़ कर लें कि हमारे सामने एक बॉडी है और ये इसका लेफ्ट एंड है और ये इसका राइट एंड है। तो इस टाइम हमने लेफ्ट एंड पे इसको पकड़ा हुआ है अलॉन्ग द 10th रिब। तो इसमें ये इसका जो बड़ा सा नज़र आ रहा है ये इसका है एंटीरियर एंड है, और जो इसका ये वाला है ये इसका पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड को लेटरल एंड भी बोलते हैं। अब इसके बॉर्डर्स हैं, ऊपर वाला बॉर्डर काफ़ी नॉच्ड है, पता चल रहा है ये सुपीरियर है, और ये वाला इंटरमीडिएट है, और जो राउंडेड्स है और ये नीचे इन्फीरियर है। अब दोबारा एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गए, ऊपर गैस्ट्रिक जो इंप्रेशन है वो सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में, और इसके इंफ्रामीडियल पार्ट में ये हाइलम है, इसके अंदर से स्प्लीनिक वेसल्स वगैरह आ जा रही होंगी। नीचे रीनल इंप्रेशन है, और ये साइड पे एंटीरियर एंड पे जो ये वाला एरिया ट्रायंगुलर सा, ये कॉलिक इंप्रेशन है, और कॉलिक इंप्रेशन के बिल्कुल साथ यहाँ पे पैंक्रियाटिक टेल के लिए इंप्रेशन होगा। और इसमें एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर और जो लैटरल एंड है इसके दरमियान एक बेजल एंगल होगा, और जो इन्फीरियर बॉर्डर और लैटरल एंड के दरमियान है ये पोस्ट्रोबेजल एंगल होगा, और इसी को हम पैल्पेट करते हैं जब हम स्प्लीनो मेगैली के लिए पैल्पेशन करते हैं।